अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस में कुरान पर पाबंदी लगाते ही अचानक हुआ ये, देखने वाले को नहीं हुआ यकीन। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो देख के ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों रूस में कुरान पर पाबंदी लगाते ही अचानक हुआ ये, देखने वाले को नहीं हुआ यकीन। दोस्तों आपको एक ऐसा वाक्या बताएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक्या कुरान मजीद पर पाबंदी के मुतालिक है कि जब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस में कुरान पर पाबंदी लगाई गई तो फिर कुरान करीम ने कैसे अपना मौजूदा साबित किया। दोस्तों सन 1973 में जब रूस में कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा, उन दिनों हमारे एक दोस्त मास्को ट्रेनिंग के लिए गए। उन्होंने बताया कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि नमाज जुमा अदा करने की तैयारी करो, तो मेरे दोस्त कहने लगे कि यहाँ पर मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है। और उन्होंने बताया कि सिर्फ दो मस्जिद है इस शहर में जो कभी बंद और कभी खुली होती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता बता दीजिए, मैं खुद ही वहाँ चला जाऊँगा। जब मैं उन दोस्तों से मस्जिद का पता लेकर निकला और मस्जिद पहुँचा तो देखा कि वह मस्जिद बंद है। पड़ोस में ही एक बंदे के पास उस मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस बंदे से कहा कि मस्जिद खोल दो, मुझे नमाज अदा करनी है। लेकिन उसने कहा कि दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन आपको कोई नुकसान होगा तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि मैं पाकिस्तान में भी नमाज पढ़ता था और रूस भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उस लड़के ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया तो मैंने देखा कि अंदर का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दी और जल्दी जल्दी साफ़ करने लगे। सफाई करने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ में अजान दी। अजान की आवाज़ सुनकर बूढ़े बच्चे और मर्द सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और कहने लगे कि यह कौन है जिसने मौत को आवाज़ दे दी। कोई मस्जिद के अंदर नहीं आया, लिहाजा मैंने जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।